दीपक बाबरिया जी, पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अजय सिंह जी, स्टेज पे बैठे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, किसानों, शहीद किसानों के जो परिवार आए, आप सबका यहाँ दिल से बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए हैं, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक साल पहले यहां मध्य प्रदेश की सरकार ने किसानों पर आक्रमण किया, किसानों पर गोली चलाई, किसानों को मारा। किसानों को मारा, पूरे देश में आज किसान अपना हक मांग रहा है, चिल्ला रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और ये जो परिवार आज यहां आए हैं, ये उसके एक चिन्ह है, एक निशान है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे वो शिवराज जी की सरकार हो, चाहे वो किसी भी बीजेपी की सरकार हो, उन सरकारों के दिल में हिंदुस्तान के किसान के लिए इतनी सी जगह नहीं है। यह सच्चाई है। 2.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े उद्योगपतियों का माफ किया जा सकता है, मगर हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों का एक रुपया नहीं माफ किया जा सकता है। दिन भर चीफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, रोजगार की बात करते हैं, किसानों की पूजा करते हैं, अलग अलग चीजों के बारे में बोलते हैं, मगर जब किसान खड़ा होता है, कहता है हमें सही दाम चाहिए, हमारा कर्जा माफ कीजिए, हमारे साथ खड़े होइए, तो नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास आपके लिए कोई समय नहीं है, हमें और कुछ करना है, हम आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, आपको जो बोलना है आप बोलो, हमें कुछ और करना है। आप याद कीजिए, यूपीए की सरकार थी, किसान हमारे पास आए, किसानों ने, हिंदुस्तान के किसान का डेलीगेशन आया और उन्होंने हमसे कहा, देखिए अमीर व्यक्ति होता है, बैंक के दरवाजे उसके लिए खुले होते हैं, रेड कारपेट होता है, सीधा अंदर जाता है, कहता है मुझे लोन चाहिए। हमारे लिए दरवाजा बंद है। आपने हमसे कहा कि हमारा आप कर्जा माफ कीजिए, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर, 12 दिन नहीं लगे, 10 दिन के अंदर यूपीए की सरकार ने 70,000 करोड़ रुपए आपका कर्जा माफ करके दे दिया। और मैं स्टेज से मंदसौर के किसानों को, इन परिवारों को और हिंदुस्तान के किसानों को बताना चाहता हूं, कमलनाथ जी यहां बैठे हैं, सिंधिया जी बैठे हैं,
कांग्रेस पार्टी के नेता बैठे हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं इस स्टेज से, जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी उसके बाद आप 10 दिन गिनना, और 10 दिन के अंदर गारंटी करके कह रहा हूं यहां पे आपका कर्जा माफ हो जाएगा। 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ हो जाएगा। और दूसरी बात कहना चाहता हूं, ये जो यहां किसान के परिवार आए हैं, ये जो यहां किसान के परिवार आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं और खास तौर से उस महिला से कहना चाहता हूं जिससे आज मेरी बात हुई, जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी 10 दिन के अंदर आपको न्याय मिलेगा, और जिन लोगों ने आप पे गोली चलाई है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। हिंदुस्तान के किसान ने इस देश को खड़ा किया है। अगर आज इस देश में सब लोग खाना खाते हैं, भोजन मिलता है, तो कोई बड़े उद्योगपतियों ने यह काम नहीं किया है। यह काम हिंदुस्तान के किसानों ने, हिंदुस्तान के मजदूरों ने और उनके परिवारों ने किया है। और अगर हम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो हमारी सरकारों का कोई मतलब नहीं है। पहला काम हिंदुस्तान के किसानों की रक्षा, हिंदुस्तान के किसानों की परिवारों की रक्षा करने का है। अभी मुझे बताया गया है कि 1200 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या की है। एक के बाद एक मंदसौर के किसान, मध्य प्रदेश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, 1200 किसानों ने आत्महत्या की, क्या हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों ने, लाखों करोड़ का एनपीए है, 2.5 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं उनको दिया, क्या इन लोगों के परिवारों में किसी ने आत्महत्या की? एक व्यक्ति ने आत्महत्या नहीं की। किसान पर कर्ज होता है, किसान को बताया जाता है जाओ आत्महत्या करो। हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों पर कर्ज होता है, लाखों करोड़ रुपए का एनपीए होता है, सरकार कहती है आइए, आपका नाम विजय मालिया है, आइए हम आपसे सौदा करते हैं, आपने 9000 करोड़ रुपए चोरी किया, ले 5000 करोड़ रुपए और, आपका नाम ललित मोदी है, ले थोड़ा पैसा लो वापस आ जाओ, आपका नाम नीरव मोदी है, चलो ले 35000 करोड़ रुपए लो भाग जाओ। ना सजा होगी ना आत्महत्या होगी, 30000 करोड़ रुपए नीरव मोदी के जेब में जाएंगे। मेहुल चौकसी का नाम सुना आपने? नरेंद्र मोदी जी मेहुल चौकसी को पता है क्या कहते हैं? मेहुल भाई, मेहुल चौकसी नहीं, मेहुल भाई, नीरव भाई, नीरव मोदी नहीं, नीरव भाई। नीरव भाई को और मेहुल भाई को नरेंद्र मोदी जी ने 30000 करोड़ रुपए दिया। 30000 करोड़ रुपए के साथ आप मध्य प्रदेश के हर किसान का 2 बार कर्जा माफ कर सकते हो। पूरे देश के युवाओं ने, पूरे देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा किया, और आज मुझे बहुत खुशी है कि इस भीड़ में
युवा खड़े हैं, हजारों लाखों युवा खड़े हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से जरूर धोखा किया। उन्होंने किसानों को जरूर कहा था कि हम आपको सही दाम दिलवाएंगे। किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, लहसुन का क्या दाम मिलता है? नहीं 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 नहीं, ठीक से बोलो, कितने रुपए? ये 200। कांग्रेस पार्टी यूपीए की सरकार में आपको लहसुन का क्या दाम मिलता था? सोयाबीन का आपको क्या दाम मिलता है? कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार में आपको क्या दाम मिलता था? नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को झूठ बोला, मगर सबसे बड़ा धोखा देश के खिलाफ और हिंदुस्तान के युवाओं से इन्होंने किया। आप सब से इन्होंने कहा था कि आपको 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। आपको यह भी कहा था कि हर युवा को 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे। याद है या भूल गए? नहीं, सुनाई नहीं दिया। याद है या भूल गए? 15 लाख रुपए और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 15 लाख छोड़ो, इस भीड़ में किसी युवा को नरेंद्र मोदी जी ने 5 रुपए दिए? इस भीड़ में कोई एक व्यक्ति है जो कह सकता है हां मुझे नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया? जहां भी आप देखो, मेड इन चाइना। हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूलते हैं। मोदी जी के जेब में टेलीफोन, टेलीफोन के पीछे लिखा हुआ है मेड इन चाइना। मोदी जी अपना SMS उससे मारते हैं। महीने बाद राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति वापस जाता है, कहता है चलो भैया ढोकलाम में मैं अपनी फौज भेजना चाहता हूं। चाइना की सेना ढोकलाम में घुसती है, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, चू नहीं बोलते हैं। और हिंदुस्तान का युवा भटकता रहता है, उसको यह नहीं मालूम कि कल क्या होगा। माता पिता को कहते हैं सुनो, माता पिता को कहते हैं देखो तुम्हें हम सही दाम नहीं देंगे, तुम्हें हम कर्जा माफ नहीं करेंगे, तुमसे हम बीमा लेंगे और तुम्हें फायदा नहीं देंगे। और बच्चों से कहते हैं तुम्हें हम रोजगार नहीं देंगे, तुम जाओ शहरों में, जाओ सड़कों पे सो और मजदूरी करो। और हिंदुस्तान की सब दुकानों में मेड इन चाइना। ये है शिवराज और नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान। कमलनाथ जी की, सिंधिया जी की सोच दूसरी है। हम चाहते हैं कि किसान को आदर मिले, किसान के को खून पसीने का, अपने काम का फायदा मिले, उसकी इज्जत हो, और किसान के बच्चों को शिक्षा मिले, और सबसे जरूरी नंबर 1 रोजगार मिले। मेरा सपना है कि आज से 5 साल 7 बाद जब हम यहां आए और हम अपने फोन को देखें, यहां फोन पे लिखा हो मेड इन मंदसौर,
और ये काम मैं आपको बता रहा हूं, ये काम नरेंद्र मोदी और शिवराज नहीं कर सकते हैं, ये काम कमलनाथ और सिंधिया कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। हम आपसे खोखले वायदे नहीं करेंगे। मैं आपको यहां आकर यह नहीं बोलूंगा कि 15 लाख रुपए आपके जेब में डाल दूंगा। जो आप मेरे स्टेज से सुनोगे वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। मैं अगर आप झूठ सुनना चाहते हो तो आप अपना टाइम यहां जाया कर रहे हो। यहां पे चाहे मैं हूं, कमलनाथ जी हूं, सिंधिया जी हूं, हम आपको झूठ नहीं बोलेंगे, हम आपको सच्चाई बोलेंगे, क्योंकि हम आपका आदर करते हैं और हम आपकी शक्ति को पहचानते हैं। और हम आपसे अपनी मन की बात भी नहीं करेंगे, हम आपकी मन की बात सुनेंगे और आपकी मन की बात की सरकार हम बनाएंगे। तो मैं आपसे 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। सबसे पहले जो मैंने कहा, 10 दिन के अंदर आपका किसानों का कर्जा माफ करके मैं गारंटी कर रहा हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ होगा। जो आपने पिछले 15 सालों में सहा है, जो आपका अपमान हुआ है, उसके लिए आपको हमें मदद करनी है, आपका कर्जा माफ हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, आज आप मंडी में जाते हो, आपको चेक मिलता है, फिर आप बैंक में जाते हो और आपसे रिश्वत मांगी जाती है। 15% आपसे शिवराज चौहान जी लेते हैं, उनकी सरकार लेती है। हम आपको डायरेक्ट मंडी में पैसा देंगे सीधा, मगर हम वहां नहीं रुकना चाहते हैं, हम प्रदेश का नक्शा बदलना चाहते हैं। हम आपको सिर्फ मंडी में पैसा नहीं देना चाहते हैं, हम आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ उगाया जाता है। यहां पे सोयाबीन, यहां पे लहसुन, कहीं और टमाटर, कहीं आलू, कहीं गन्ना, अफीम। आप आज माल मंडी में बेचते हो, आपको चेक मिलता है, आपके जेब में से 15% लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हर डिस्ट्रिक्ट में, और आप अच्छी तरह सुनिए, हर डिस्ट्रिक्ट में हम किसानों के खेत के पास फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में किसान डायरेक्ट अपना माल, सीधा अपना माल फैक्ट्री में जाके बेचेगा। आपके जेब में से शिवराज जी 1 रुपया नहीं ले पाएगा। और जो फायदा आपकी मेहनत का आपको मिलना चाहिए वो हम आपको देंगे। पूरी मध्य प्रदेश में हम फूड चेन बनाएंगे, आपके खेत को सड़क से शहरों से जोड़ेंगे कि आपका माल सीधा फैक्ट्री में जाए और फैक्ट्री से माल सीधा शहर में बिके और आपके जेब में सीधा पैसा आए। और जो हम फूड चेन बनाएंगे और जो हम फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट बनाएंगे, उन फैक्ट्रियों में, उन प्लांट्स में हम मध्य प्रदेश के किसानों के बेटे और बेटियों को रोजगार देंगे। और चाइना से हम कंपटीशन करके दिखाएंगे। मंदसौर के युवाओं में कोई कमी नहीं है,
मैं आपको बता रहा हूं, आज आप यहां लहसुन उगाते हो ना, 10 साल के अंदर चाइना की राजधानी बीजिंग में हम उनको मंदसौर का लहसुन खिलाएंगे। ये हम कर सकते हैं, मगर ये कैसे होगा? ये आपकी शक्ति के साथ होगा। अगर हम यहां आए और हम आपसे झूठ बोलें कि भैया 15 लाख कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, ये काम नहीं होने वाला है। मैंने आपको आज यहां बताया है हम आपको रोजगार कैसे देंगे। मैंने आपको रास्ता दिखाया है। मैंने आपको कहा है कि हम किसानों को गारंटी करके हम उनका कर्जा माफ करेंगे। और हमारा रिकॉर्ड है, 70,000 करोड़ रुपए हमने कर्जा माफ किया है। कर्नाटक की सरकार ने कर्जा माफ किया, पंजाब की सरकार ने कर्जा माफ किया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने सिद्धरमैया जी से और मोदी जी से यह बात की। मैं स्वयं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस गया और मैंने उनसे कहा, देखिए मैं एक ही बार गया हूं, लोग मेरे बारे में कहते हैं किसानों के लिए लड़ता है, सही है, मैं एक ही बार नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में गया हूं और मैं किसानों की बात लेके गया था, मध्य प्रदेश के किसानों की बात, उत्तर प्रदेश के किसानों की बात, कर्नाटक के किसानों की बात। और मैंने नरेंद्र मोदी जी से कहा, मोदी जी आपने 2.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ किया है, 2.5 लाख करोड़ रुपए 15 लाख का, 35,000 करोड़ रुपए में पूरे देश में हमने मनरेगा चलाई, आपने 2.5 लाख रुपए 15 लोगों का माफ किया है। मेरे साथ हिंदुस्तान के करोड़ों किसान खड़े हैं, मैं उनकी आवाज लेकर आपके ऑफिस में आया हूं, पार्लियामेंट हाउस में आपके ऑफिस में आया हूं, आपके सामने खड़ा हूं। करोड़ों किसानों ने मुझे भेजा है, लाखों ने आत्महत्या की है, मैं उनकी आवाज आप तक पहुंचाया हूं, मैं उनकी आवाज आप तक ले आया हूं। उनकी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, मगर उनकी दिल की आवाज मैं लाया हूं। 5 मिनट आप मेरी बात सुनिए। नहीं पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे हैं मगर सही बात नहीं पढ़े हैं, पढ़ाई गलत है, आरएसएस की पढ़ाई है। उनके दिल में क्रोध डाल रखा है, गुस्सा डाल रखा है, नफरत डाल रखी है। हमारी पढ़ाई दूसरी है, कमलनाथ जी की, सिंधिया जी की, मेरी प्यार प्यार की पढ़ाई है, हम सबको जोड़ते हैं। खैर मैं वापस जाना चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में गया, मैंने कहा, देखो नरेंद्र मोदी जी, मैं किसानों की दिल की आवाज लाया हूं। ये जो महिला जिससे आज मैं मिला, जिसको चीफ मिनिस्टर ने कहा कि आपके बेटे की लाश के लिए हमने आपको 1 करोड़ रुपए दिया है, और जिसने चीफ मिनिस्टर जी से कहा कि मैं 2 करोड़ रुपए देती हूं, आप मुझे अपना बेटा दे दो, मैं इनकी आवाज लाया हूं। और इनकी आवाज कह रही है, नरेंद्र मोदी जी आपके सामने हाथ जोड़कर इनकी आवाज कह रही है कि आप इनका भी कर्जा माफ करो। नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैंने उनसे बोला, नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के हर किसान की आवाज है, इस आवाज को आप सुनिए। अब नरेंद्र मोदी जी का जवाब सुनो, मजेदार जवाब सुनो। एक तरफ मैं बैठा हूं, कांग्रेस पार्टी के लोग, अमरिंदर सिंह जी, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के पीछे वो जो लाल वर्दी पहनते ना, देखे आपने, वो सूट वाले वो खड़े हैं, वर्दी पहने मतलब। मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ करो। अब आप सुनो नरेंद्र मोदी जी का जवाब।
ये था जवाब। मतलब हिंदुस्तान की जो किसान की आवाज है, करोड़ों किसान की आवाज, उस आवाज को नरेंद्र मोदी जी ने 5 शब्द भी नहीं दिए। बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, घंटों भाषण चलता है, सूट बूट पहनकर मीटिंग होती है, बड़े बड़े भाषण होते हैं, मगर किसानों की आवाज के लिए नरेंद्र मोदी जी के पास एक शब्द नहीं है। फिर मैंने अमरिंदर सिंह जी को फोन किया, सिद्धरमैया जी को फोन किया, मैंने कहा अमरिंदर सिंह जी, सिद्धरमैया जी, क्या लगता है नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की आवाज का जवाब तक नहीं दिया? क्या हमारे चीफ मिनिस्टर किसानों की आवाज का जवाब दे सकते हैं, हां या ना? मैं बताता हूं, 10 दिन मैंने उनसे कहा, आप मुझे 10 दिन में बता देना। 10 दिन के अंदर पहले सिद्धरमैया जी का फोन आया, कहा कर्नाटका की सरकार कर्नाटक के सब किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है, हम 10 दिन के अंदर ये काम कर रहे हैं। और उसी के बाद पंजाब की सरकार ने ये काम किया। तो हम आपकी आवाज सुनते हैं, हम आपको अपनी मन की बात नहीं बताना चाहते हैं, हम आपका दर्द, आपकी मन की बात सुनना चाहते हैं। और हमारे सामने सिर्फ 2 लक्ष्य हैं, एक हिंदुस्तान के किसान की रक्षा और दूसरा हिंदुस्तान के युवाओं का रोजगार। हम यही 2 चीजों पर अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे और मध्य प्रदेश को बदल डालेंगे। आप सब यहां आए और कांग्रेस पार्टी के हमारे यहां सिपाही खड़े हैं, बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, युवा दिख रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको महसूस हो गया होगा कि अब कांग्रेस पार्टी एक होकर, कांग्रेस पार्टी टीम बनकर चुनाव लड़ रही है। अब आपको महसूस हो गया होगा कि सब के सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप हमारे सिपाही हो, आप पोलिंग बूथ पे लड़ते हो, आप अपना खून पसीना पार्टी को देते हो। मेरी जिम्मेदारी सबसे पहले हिंदुस्तान की जनता और दूसरे नंबर पे कांग्रेस के कार्यकर्ता पर है, तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी के नेता, पहले देश की जनता, नंबर 2 पे कांग्रेस का कार्यकर्ता और तीसरा कांग्रेस का नेता। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसे ही यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जो आपने पिछले 15 साल सहा, जो आपके साथ बीजेपी, आरएसएस और शिवराज चौहान जी ने किया, हम आपको नहीं भूलेंगे। जो सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की पहली जगह होगी, यह बात आप मत भूलिए। अब आप जाइए मध्य प्रदेश को बताइए कि मध्य प्रदेश के किसान के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया। आप बताइए कि मध्य प्रदेश के युवाओं को शिवराज जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार धोखा दिया। आप बताइए व्यापम में कितने युवाओं का भविष्य शिवराज चौहान जी ने, उनके परिवार ने और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश के युवाओं से चुराया। यह बात आप जाके बताइए। आप बताइए कि इलाज के लिए मध्य प्रदेश में युवाओं को, माताओं को लाखों रुपए की जरूरत होती है।
आप बताइए कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने मुफ्त में दवाई देने का काम किया था। आप बताइए कि जहां भी कांग्रेस पार्टी होती है हम शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राइवेटाइज नहीं करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य कम से कम दाम में दिलवाते हैं, हम किसान की रक्षा करते हैं। आप इन बातों को मध्य प्रदेश के लोगों को बताइए। और जो हमारे नेता यहां बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका काम मध्य प्रदेश की जनता के घरों में, गांव में, शहरों में, सड़कों में जाने का है। मैं चाहता हूं कि आप सब सड़कों पे उतरें, गांव में, इधर देख के कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो जो भी जनता के पास जाएगा, जो भी जनता के साथ मिलेगा, जो भी मध्य प्रदेश की मट्टी पर चलेगा, मट्टी से मिलेगा, उसी के लिए मध्य प्रदेश की अगली सरकार में जगह होगी। यह मेरा आपके लिए और मध्य प्रदेश के लिए मैसेज है। युवाओं और महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आपकी जरूरत है, मध्य प्रदेश को बदलना है। कमलनाथ जी सिंधिया जी हैं, सिंधिया जी युवा हैं, रास्ता लंबा है, आप सब हमारे साथ चलिए, सच्चाई के साथ चलिए, झूठे वायदों को भूल जाइए, अपनी शक्ति को पहचानिए और एक साथ हम इस प्रदेश को बदलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय जवान, जय जवान, जय जवान। आदरणीय साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से युवाओं से आह्वान करते हैं, जिस तरीके से आप सबसे मिलते हैं, बात करते हैं।